आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम योगा ज्योतिष में एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो योग अगर किसी के कुंडली में होता है तो उसका जो लाइफ है बहुत स्मूथ होता है, बहुत रुपया पैसा का बहुत धनी होता है, बहुत ज्यादा सटूर होता है ऐसे जातक, और आयु के रिलेटेड भी बहुत सेटिस्फाइंग होता है। कैसे बनते हैं ये योग आइए समझते हैं। और ये योग का नाम है त्रिलोचन योग, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे त्रिलोचन योगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बिजनेस में ऐसा टॉपिक लाना चाहिए कि देखने वालों को भी अच्छा लगे, ठीक है। ये त्रिलोचन योग जो है मुख्यतः तीन ग्रह से बनते हैं। तो पहला जो प्लेनेट है वो है द सन, ठीक है। पहला जो प्लेनेट है द सन, दूसरा जो है द मून, और तीसरा जो है वो है मार्स। मार्स यानी मंगल, सूर्य देवता, चंद्र देवता और मंगल देवता, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ये योग बनते हैं। और ये योग कैसे बनते हैं समझिएगा बात को। कुंडली में कहीं पर भी ये तीनों ग्रह एक दूसरे की अगर त्रिकोण में हो तो ये योग बनता है। ये जो प्लेनेट है एक दूसरे के त्रिकोण में होने से, यहाँ सपोज रवि है, चंद्र देवता और मंगल देवता, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बने। ऐसा हालांकि ये नहीं है कि कहीं पर भी इन लोगों का आपस में त्रिकोण बनना चाहिए, तब ये जो योग है त्रिलोचन योग का निर्माण होता है। आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं। यहां पर सात त्रिकोण हैं, ठीक है। सात त्रिकोण में से कहीं पर भी अगर ये बन जाए तो ऐसा जातक का जो लाइफ है बहुत स्मूथ चलता है। सपोज हम यहाँ पर लग्न से देखते हैं, यहाँ पर सूर्य देवता है, फिर मंगल है, फिर चंद्र देवता है, तो ये त्रिलोचन योग का निर्माण करेगा। या तो ये केंद्र से भी होगा, या ये केंद्र से भी होगा, या ये केंद्र से भी होगा, इन लोगों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तब जाके ये त्रिलोचन योग का निर्माण करेगा। ये त्रिलोचन योग में क्या क्या बेनिफिट मिलता है ये समझिए। आइए समझते हैं कि जो बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट है क्या क्या है। पहले है ग्रेट वेल्थ, ग्रेट वेल्थ, धनी होता है बहुत, रुपया पैसा के मामले में जातक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ज्यादा किसी भी काम करेगा उस काम से उसे ना हमेशा लाभ ही होगा, कभी लॉस के मुंह नहीं देखता है। और दो नंबर जो है स्मूथ कैरियर होता है, स्मूथ कैरियर होता है, स्मूथ कैरियर होता है, जो भी काम करेगा जीविका चलाने के लिए वो बहुत स्मूथ होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो धनी होता है, रुपया पैसे के मामले में बहुत ज्यादा संतुष्ट रहता है, स्मूथ कैरियर होता है और इंटेलिजेंट होता है बहुत। इंटेलिजेंट होता है, बहुत बड़ा बुद्धि मात्रा उन लोगों का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अपनी बुद्धि से हर काम कर लेता है और करवा भी लेता है। और चार नंबर जो है वो शत्रुहंता होता है, शत्रुहंता होता है, कोई शत्रु से कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, उल्टा वो शत्रु के लिए आतंक बना होता है, ठीक है। कोई भी अगर उससे शत्रुता करता है तो उसका अंजाम वो भुगतना पड़ता है, वो लोग शत्रुहंता होता है। और उन लोगों का लास्ट पॉइंट और भी बहुत ज्यादा है, मेन हम पास्ट फैक्टर में हम काम कर रहे हैं, गुड
लॉन्गिविटी होता है, आयुवर्धक होता है, ठीक है। अगर सूर्य मंगल और चंद्र देवता एक साथ अगर त्रिकोण में हो, ये कहीं भी हो सकता है, लग्न में हो सकता है, दशम भाव में हो सकता है, स्पाउस के भाव में हो सकता है, फोर्थ हाउस में बन सकता है, कहीं पर भी ये त्रिकोण बनाए तो ये त्रिलोचन योग का निर्माण करेगा। और त्रिलोचन योग बनाने के लिए मुख्यतः चंद्र देवता, रवि देवता और मंगल देवता, ये इसको ही लेना है। और इस तरह हम त्रिलोचन योग को जान सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में आपकी जानकारी में ये त्रिलोचन योग है और उसका करियर कैसा चल रहा है, लाइफ कैसा चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया होगा त्रिलोचन योग के बारे में।